नमस्कार दोस्तों, मैं निशा हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाले तैयारी में। आज से हम नया कंसेप्ट देख रहे हैं जिसका नाम है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित होता है, जो कि आपके RRB, SSC और CGPSC व्यापम सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आपको कंसेप्ट पहले यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जल प्रतिबिंब में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी बताया जाएगा कि आप विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और आपकी जो डेली कक्षाएँ हैं मॉर्निंग में लगेंगी 7:30 to 8:30 AM। इस तरीके से हम क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो डेली क्लासेस आपको इस तरीके इस टाइम मिलेंगे। इस टाइम आप बिल्कुल रेडी रहेंगे और जो जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, उनको कीजिए। दोस्तों जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल शुरू से वीडियोस को देखें और जो भी टॉपिक में डाउट है उसको बताएं। आपको शुरू से फिर से क्लास कराया जाएगा, पहले एक बार हम पूरे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिर से आपको रिवाइज कराया जाएगा। तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए जल प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। जल प्रतिबिंब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, कंसेप्ट को एक बार आप समझ गए तो आपके लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आप विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में जल प्रतिबिंब 100% क्लियर होगा, इस गारंटी है। अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु आकृति चित्र संख्याओं को जल प्रतिबिंब तब बनता है जब उसका प्रतिबिंब जल में देखा जाता है ना। जब भी वाटर में आप किसी वस्तु को देखेंगे या आप मिरर को नीचे में रख के देखेंगे इस तरीके से, तो आपका वस्तु का जो भी प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट है वर्टिकल इन्वर्जन का। ये क्या चीज़ है हम आगे जानेंगे। चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि ABCD आपको दिखता कैसे है। ठीक है, इसके पहले ये देखिए कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, देखिए ये जो ऊपर वाला चीज है, आपको सेम ऊपर वाला चीज जल प्रतिबिंब में नीचे में दिखता है, और नीचे वाला देखिए जो पास में है वो पास में दिख रहा है, और जो दूर में है वो दूर हो रहा है। इस तरीके से ये जल है, जल में इस तरीके से हम वस्तु का प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हमें इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। आप घर में जाके अपने आईने को नीचे में रख के इस तरीके से अगर आप आईना रखे हैं और किसी वस्तु को देखने का अगर प्रयास करते हैं तो आपको ये इमेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ABCD के बारे में जाएंगे, तो इसमें कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर जो भी अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका नीचे में दिखेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं, जो लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू रहता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता, तो ये याद रखेंगे। और इसी तरीके से जब मैंने आपको मिरर इमेज बताया था, मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे को सेम रखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट यहाँ पर सेम होता है, ऊपर नीचे बदलता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसे ऊपर वाली आकृति नीचे में बदलती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे ये चेंजेस हो रहा है, यही बस चेंज होता है आपका जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स हैं, ये सब चेंज नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जैसा आकृति आपको दिख रहा है, जैसे आपने ट्रायंगल को देखा तो आपको रेक्टेंगल नहीं नजर आएगा, वो ट्रायंगल ही नजर आएगा, बस इस तरीके से उल्टा नजर आएगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही नजर आएगा, ऐसा हम चलिए समरूप होते हैं। चलिए जैसे ये देखिए ABCD, तो इस पर देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं। देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ कि आपको तकलीफ ना हो देखने में।
चलिए, तो यहाँ पर आपको ये ए बी सी डी यहाँ पर दिखा गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो ये आपका ए ऊपर और नीचे चले गया है, बी सेम है, सी सेम है, डी सेम है, ई आपका सेम है, एच सेम है, आई के ओ। तो ये जो सिमिलर जो आपको दिख रहे हैं बी सी डी ई, इसको ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो आपका चेंज नहीं होता। एच आई के ओ, इसी तरीके से कितने लेटर्स हो गए यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अभी तक आठ लेटर्स आपको मिल चुके हैं कि सिमिलर होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं बड़े वाले अक्षर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका देखिए यहाँ पर आठ और ये एक आपका नौ, केवल ये नौ लेटर्स होते हैं, नाइन लेटर्स होते हैं जो कि सेम मिलते हैं आपको वाटर इमेज में, और 26 में से नौ को घटाते हैं तो आपको 17 जो मिलता है, 17 जो मिलते हैं वो आपको डिफरेंट मिलते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैं स्मॉल लेटर्स के बारे में बात करूँ, स्मॉल लेटर्स में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें सेम नज़र आता है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको सिमिलर नज़र आए, तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो आकृतियाँ हैं वो आपको डिफरेंट नज़र आती है, देख ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये पूरा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, चलिए इसी तरीके से आप नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स में क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। नंबर्स में देखेंगे तो ये जीरो आपको डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जीरो और ये एट आपको डिफरेंट दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बाकी सब आपको डिफरेंट दिख रहा है। इसी तरीके से इसमें कुछ लेटर्स अगर आप बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आई है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपको जो सिमिलर टाइप दिखे, सब यहाँ पर उल्टा आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये सब चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है और क्वेश्चंस को बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे और अभी मैं न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको करा रहा हूँ, उसके बाद आपको टाइप वन में के बाद आपको टाइप टू के क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपका ये ऊपर और नीचे बस यही चेंज होगा, लेफ्ट और राइट नहीं, मतलब आपका जो ये यहाँ से चालू हो रहा है तो ये जो पोजिशंस हैं इनके चेंज नहीं होते, जो जहाँ पर है वहीं पर रहता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका जो बना हुआ है ये वाला और ये वाला, ये जो है आपके दो जो हैं आपके वाटर इमेज नहीं है बल्कि ये मिरर इमेज है, देखिए उल्टा बनाया है। इसको इस तरीके से बनाते हैं तो मैं बताया था आपको पहले, ये मिरर इमेज में होता है, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब देखिए ये आर का ये कौन सा इमेज है, ये मिरर इमेज है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका क्या रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, तो ये आपका बी वाला सेक्ट करेक्ट आंसर है। बस इसी तरीके से आपको देखना है और क्वेश्चन के आंसर देना है।
चलिए दोस्तों, अब मैं इसका बहुत बहुत बेहतरीन वाला ट्रिक बता रहा हूँ कि आप विद इन 10-20 सेकेंड्स इसके क्वेश्चंस के आंसर फिर कैसे दे सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए जैसे हमने जैसे ये वाटर इमेज है, इस तरीके से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। बस इसको आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर, जो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है ये सेम चीज आपका वाटर इमेज में दिखता है। तो आप ऊपर से नीचे लिख के इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो ट्रांसपेरेंट में आपको दिखेगा वही आपका रहेगा वाटर इमेज। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को बनाए। चलिए ये कंसेप्ट ऊपर से नीचे है ना। चलिए तो ये जो अर्थक्वेक है आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें लिखेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे तुरंत। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जल्दी से आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, लिखिए और पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी से दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं अपना जो टेक्निक में आपको बताया उस टेक्निक को लगाइए और पल जो आ रहा है ABCD आपका आंसर। तो स्टार प्लस आपने लिखा और उसको आपने इस तरीके से पल ठीक, जो ये इस तरीके से जो आकृति आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो दिख रहा है वही इसका आंसर हो। दिख रहा है दोस्तों सबको इस तरीके से जो दिख रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस टाइप का, लिख के बस आपको पलट देना है ठीक। लिख के पलट दीजिए तो ये जो दिख रहा है आपको इस टाइप से, ये आपका आंसर होगा ठीक। तो कौन सा आंसर होगा देखिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ठीक। ये L यहां पर सीधा लिख दीजिए, ये भी नहीं हो सकता, ये इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो ठीक है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, बस आपको लिखना है और वर्टिकली आपको फोल्ड कर देना है लिख के, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ये वाटर लिखा हुआ है इस तरीके से, आप इसको नीचे तरीके से फोल्ड कर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से करोड़पति को भी आप बना सकते हैं, होमवर्क क्या बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप पलट लीजिए जल्दी से। चलिए चलिए आप लोग का फेवरेट आ गई लारा दत्ता, चलो बनाओ उसको क्वेश्चन फास्ट। तो सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर देखिए डी, ये एल, ये अलग अलग है, डी अलग अलग है, सेम दिखेगा ठीक। तो यहां पर देखिए ये एल ए टी टी यू आर, ये आर यहां पर सेम लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में सबको। इसी तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और इसको पलट देंगे। अब पीछे में जो आपको इस तरीके से जो लेटर्स नज़र आ रहे हैं, जो लेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको, यही आपके वाटर इमेज होते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, ये रामबाण इलाज है, पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीका है, रामबाण इलाज है। तो इसको ऊपर से नीचे आपको बस फोल्ड करके आना है और आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 10 सेकेंड्स। तो बढ़िया से गाढ़ा लिखिए पेन में
दो तीन बार लिखिए और उसको पलट दीजिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए जो क्वेश्चन हमने, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप टू। टाइप वन आपको क्लियर है, टाइप वन में मैंने आपको बताया था कि केवल आपको फोल्ड करना है ऊपर से नीचे। इसके बाद जब भी इस टाइप का आकृति रहेगा तो आपका केवल और केवल ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, लेफ्ट और राइट जो पोजीशंस हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति है, इसमें आपको बताना है इसका वाटर इमेज क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए इसको मैं इलिमिनेशन में हट जाते हैं, इसमें इलिमिनेशन देखते हैं। जो ऊपर दिख रहा है ये जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा यहाँ पर, और जो ये नीचे दिख रहा है ये ऊपर दिखेगा, और ये ऊपर और नीचे सेम चीज। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ चीजें। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बस आपको ध्यान रखना है जो चीज ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा और जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर दिखेगा, लेफ्ट और राइट ये जो चीजें हैं ये चेंज नहीं होंगी। बस इसका ये ऊपर दिखेगा, ये ऊपर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और ये यहां दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें तीर का निशान ऊपर है और ये सर्कल ऊपर है, ये चीज आपको नीचे में दिखेगा और ये नीचे में दिखेगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऊपर दिखेगा और ये वाला ऊपर दिखेगा। बस ये कंसेप्ट आपको लगाने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। केवल आई टेस्ट है, ये केवल आई टेस्ट है। अब आप केवल इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि जो ऊपर वाली चीजें हैं वो नीचे दिखेंगी और जो नीचे वाली चीजें हैं वो ऊपर दिखेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, ये सेम चीज जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे भी दिखेगा। तो देखिए ये ऊपर में दिख रहा है नहीं हो सकता, ये ऊपर में दिख रहा है नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये और ये जगह आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस दिख रहा है इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखिए आप सभी को दिख जाए अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा यहां पर देखिए ये जो गुड़ा वाला ऊपर दिख रहा है, गुड़ा नीचे दिखना चाहिए, गुड़ा नीचे किसमें दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है और इस वाला ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर है तो ऊपर और नीचे होना चाहिए, यहाँ ऊपर दिख रहा है ये तो नहीं हो सकता, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा हम चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये ऊपर ऐसे दिख रहा है तो इसका अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो ये सेम चीज नीचे दिखेगा। नीचे कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये में है और ये में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
अब इसके बाद ये वाला जो दिख रहा है आपको, देखिए ये ऊपर है और ये वाला अंदर हो गया, तो भैया नीचे वाला भी तो ऊपर जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। इस तरीके से है समझ में दोस्तों सभी को? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को ए बी सी डी जल्दी बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या क्या चीज नहीं हो सकता कि जो ये है ये चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता, मतलब ये नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। बच गया ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंट में दिक्कत है, प्रिंट में दिक्कत है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला में गलत प्रिंट है, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। कोई जान क्लियर प्रिंट रहेगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको सुधार लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए जल्दी से। चलिए जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा, तो ये हमारा देखिए ये या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस ये चीज नीचे दिखेगा, तो ये हमारा ये वाला करेक्ट आंसर। इसमें देखिए ट्राइंगल सीधा बनता है, ये नहीं होगा। चलिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आने हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 एबीसीडी। चलिए जल्दी से इसे लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड में समय दे रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आप एबीसीडी बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए अपने से। कंसेप्ट वही है, जो ऊपर वाला है वो नीचे दिखेगा, राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा। तो देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये चीज नीचे दिखेगा, ये जो पोजीशन से ये आपका चेंज नहीं होगा। मतलब देखिए ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट चल गया, ये नहीं हो सकता, ये चित्र ही चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई होगा। अभी तो सेम नीचे में दिख रहा है, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर होगा इसका। आ रहा है समझ में सबको दोस्तों? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से ए बी सी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बनेंगे। ये ऊपर दिख रहा है तो ये चीज नीचे दिखेगा, कौन कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा सीधा आंसर ये सी वाला ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बनाइए दोस्तों, ए बी सी डी। देखिए यहां पर ये ऊपर दिख रहा है, ये नीचे से मिल जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा और नीचे बराबर चल जाएगा। अब ये बिंदी नीचे चला जाएगा, तो बिंदी नीचे कौन कौन सा है, ये तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद इसको मैंने चेंज किया, ये कैसे चेंज होगा देखिए। ये इस साइड जा रहा है तो इस साइड जाएगा, ये गलत हो गया,
अभी ट्रायंगल देखिए, ये भी गलत हो गया, ट्रायंगल ऊपर नीचे, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। मैं इसको कंक्लूड करूंगा फाइनली कि आपको जब भी वाटर इमेज आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल सिमेट्री है, मतलब ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। जब भी आपको मिरर इमेज पूछेगा आपको इस तरीके से याद रखना है, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और आपके